सिमडेगा में दलित व्यक्ति संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग के तहत हुई हत्या को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच कराने की मांग। सिमडेगा में दलित व्यक्ति संजू प्रधान की पुलिस के सामने द्वारा की गई हत्या और पुलिस द्वारा संजू प्रधान की पत्नी के गर्भ में पल रहे 2 महीने के गर्भ हत्या के मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर सीबीआई जांच कराने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, प्रशासन के सामने में संजू प्रधान की हत्या हो जाती है लेकिन प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी हत्यारे को पकड़ने में नाकामयाब हुई है प्रशासन। राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही। वहाँ के किसी विधायक का बिना हम सामने आ रहे हैं। संजू प्रधान की पत्नी ने भी अपना बयान और जो भी इसमें शामिल थे उसका नाम देने के बावजूद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। जाति मोर्चा के अध्यक्ष अपने अमर गौरी जी है। अब सब लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग पिछले दिनों प्रेस से भी हम सब लोग मिले थे और आज भी केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री घटना सिमडेगा कोले विराट यहाँ बेसरा गारा में जो घटना घटी आए थी वो क्या कहते हैं उसको क्रूरतम घटना जिसको कह सकते हैं वो घटना घटित हुई है। और उस घटना के बाद घटना के बजे की घटना है और उसके दो थाना के पुलिस वहाँ पर उपस्थित है, कोले विरा थाना की और सटाई विरा थाना की पुलिस ठीक है और पुलिस के सामने उपस्थिति संजू प्रधान को घर से खींच करके पीटा जाता है, मारा जाता है, फिर वहाँ हाथ में रखे हुए लकड़ी की चिता बना करके उसी में उसको वहाँ जला दिया जाता है। संजू प्रधान ने मृतक के माँ पत्नी भाई पुलिस के पैर पकड़ते कि हवाई फायरिंग करो, किसी प्रकार से हमारे बेटा हमारी पति को बचाइए, लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनी रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और उनसे पुलिस ने क्या किया, कोले बेरा की पुलिस जो जोशी थाना क्षेत्र में पड़ता है, बेसरा जा रहा